सब स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है बेटा ये पढ़ रहे थे अपन। ठीक है फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है अब फंक्शनल इक्वेशन में बेटा देखो हमने फर्स्ट फंक्शनल इक्वेशन पढ़ी थी, फर्स्ट वाली क्या थी, बताया था कि f of x plus y जो है वो किसके बराबर आ रहा है, f of x plus f of y के बराबर आएगा। और इस केस में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, kx, kx होगा। ठीक है रेयर केस यानी कांस्टेंट। मैंने कहा था बेटा आपको याद कर लेना, सबने याद कर लिया था इसको? यस सर। यस कर लिया था ना बेटा सबने याद। ठीक है अब भाई अब करते हैं इसका अपन डेरिवेशन। ये एक्चुअली आया कैसे, क्या यूज है इसका? तो अब सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लो इसका जो यूज है, मतलब ये इसका डेरिवेशन क्या है, ये आया कहाँ से, इसका प्रूफ क्या है। तो प्रूफ के लिए आप सबसे पहले चीज देखो कि हम क्या यूज करें, हम इसमें ये यूज करेंगे, आप इसको स्टेप वन समझ लो, तुम्हारा स्टेप वन है ये। स्टेप वन में हर बार ये यूज करेंगे। याद है अपन ने एफ डैश एक्स निकाला था आर एस डी वाला, याद है फर्स्ट प्रिंसिपल? यस सर। आपको याद है बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, यही था कि f dash x जो है वो किसके बराबर आएगा, लिमिट x h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ये सबको याद है फर्स्ट प्रिंसिपल? यस सर। है ना, इसको लो नॉर्मली कर। ठीक है बेटे तो अब स्टेप वन, सबसे पहले तो स्टेप वन आप समझो कि हमें करना है क्या। अपने को ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, अब ये चीज आप समझ लो कि यार ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसका मतलब है क्या। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा सही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब आप इसमें एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू रखो वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब हमेशा ये इक्वेशन बराबर आएगी। बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। यस ये चीज सबको समझ में आई कि फंक्शनल इक्वेशन का मतलब ये है कि एक्स और वाई की जो मर्जी आप वैल्यू रखो बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक रियल वैल्यू रखो उसके लिए हमेशा ये बराबर आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो kx करते हैं। अब ये कैसे भाई, इसको देखो। अब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दे रखी होगी तो उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वैसे लिखेंगे f of x plus h f of x plus y equals to f of x plus f of y। ये फंक्शनल इक्वेशन है बेटा, पहला समीकरण यही है अपने पास। ठीक है तो इसमें एक चीज देखो कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं कि भाई मैं बस ये चाहता हूं कि कैसे भी करके ये जो इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये वाली, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ बेटे? यस सर। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जहां भी आपको y लिखा हुआ दिख रहा है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, y, y को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ h से। आया ना बेटे, स्टार्टिंग स्टेप से समझ जाओ, एक बार समझ जाओगे उसके बाद आप खुद ही यूज करने लग जाओगे। ठीक है आपको क्या करना है, आपको कोई भी फंक्शन इक्वेशन गिवन हो, ठीक है फंक्शनल इक्वेशन गिवन हो, आपको क्या करना है उसको प्रूव करने के लिए जहां भी वाई दिख रहा है वाई को रिप्लेस करना है एच के साथ। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। सबको समझ में आई? यस सर। है ना सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटे क्योंकि ये जो अपने को पता है डिफरेंशिएशन ये वाला f dash x फर्स्ट प्रिंसिपल, इसमें कहीं भी y है ही नहीं, तो y है ही नहीं तो y को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार x के साथ क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है ना, बेसिकली y की जगह h करना है अपने को। बात समझ में आ गई? तो y को मैंने रिप्लेस कर दिया h के साथ, तो जैसे ही y को h के साथ रिप्लेस किया तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। बन जाएगा? बहुत बढ़िया। ठीक है तो इसका मतलब अब ये वाला रूल लगा हुआ क्या है, चलो आगे करते हैं। f dash x is equal to f of क्या था x plus h minus f of x upon h था।
तो इसमें आप ये चीज देखो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच। ये एफ ऑफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा सकता हूँ मैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जो है वो किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एच के बराबर आ गया, आया ना? यस सर। सबको दिख रहा है बेटे? यस सर। क्या कर सकते हैं इसको बेटा, थोड़ा अच्छे से समझ लेना क्योंकि एडवांस में इस पे कई बार क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे, ठीक है? तो अब आप ये चीज देखो कि f of x plus h minus fx की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आया ना? बोलो बेटे, आया ना? यस सर। करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आया सबको? सर ये वाला एक बार और बता दो, ये वाला एक बार और बता दो। देखो बेटा हमने क्या किया, अल्टीमेटली आप बस ये देखो कि मुझे ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन आएगा, उसके लिए मैंने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? और फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या अपना, ये है, ठीक है? अब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करने के लिए बस आप ये देखो बेटे कि यहाँ पे x plus h लिखा हुआ है और यहाँ पे minus fx लिखा हुआ है। Yes, sir. और ये वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या है, y दे रखा है, तो यहाँ पे कहीं भी y का यूज तो है ही नहीं ना, y तो है ही नहीं, तो y का हम करें क्या, y को हटाना है, तो y को हम किससे हटाएं? ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ h दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है y को हम किससे हटाएंगे, h से रिप्लेस करेंगे, आया ना? Yes, sir. तो मैंने क्या कर दिया, y को h से रिप्लेस कर दिया, y को हटा के h कर दिया। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन का मतलब होता है कि ये हमेशा ट्रू है x, y belongs to R के लिए, मतलब x और y की जगह आप कोई भी रियल नंबर रखोगे हमेशा ही बराबर आएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो अगर हमेशा ही बराबर आएगा तो इसका मतलब f of x plus h, y को हमने रिप्लेस कर दिया x से, तो f x plus h बराबर fx minus plus fh हो गया, मतलब जहां भी y था मैंने h ले दिया। अब क्या किया, fx को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आया, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे fx भी तो है माइनस के साथ, आया ना? यस सर। है ना, हम बस ये कर रहे हैं कि जो फंक्शनल इक्वेशन है उसको ऐसा बना रहे हैं। तो fx को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया, fx को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो बेटे ये बन गया मेरे पास। यस सर। तो इस पूरे को रिप्लेस करके fx लिख सकते हैं? यस सर। सकते हैं? यस सर। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है एफ डैश ए, क्या लिखा हुआ है बेटे? एफ डैश ए। एफ डैश ए क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a plus h minus f of a upon h, तो ये सही लिखा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से, f dash a यही होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद मत रखो, आप इसको ऐसे याद रखो f dash डब्बा बराबर लिमिट h जीरो f of डब्बा plus h minus f डब्बा upon h, तो ये सही है? Yes, sir. है ना? इसका मतलब यहाँ पे ये जो f dash डब्बा है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन आएगा, ये उस डब्बे का डिफरेंशिएशन आएगा जो यहाँ लिखा होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ एच क्या लिखा हुआ है, एफ एच। इस एफ एच को क्या मैं थोड़ा सा सजा के ऐसा लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, आया ना? यस सर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर। भाई एच लिखा हुआ है, एच में एच को जीरो प्लस एच करके लिखो या एच लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, एच पर एच ठीक बेटा, ये माइक दो दो आवाज आ रही है, ठीक है? चलो, तो अगर
ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है राइट साइड वाले का, तो इसका मतलब ये कि डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। अब इसके हिसाब से ये किसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, यहाँ पे एच के साथ जो लिखा होगा डब्बा, वो यहाँ पे जो डब्बा लिखा होगा ये सेम ही होना चाहिए। यहाँ पे एच के साथ क्या लिखा होगा, जीरो जीरो। तो अगर मैं कैसे ना कैसे इसको ऐसे भाई ये लिखा हुआ है, इसमें से अगर मैं जीरो माइनस कर दूंगा तो किसी को कुछ कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपॉन एच, ठीक है। और एफ डैश एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो प्लस एच। अब आप एक चीज समझ पा रहे हो बेटे, यहाँ पे मैंने लिखा है जीरो प्लस एच, तो कहीं ना कहीं ये एफ डैश जीरो का ही डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। यस सर, बेसिकली यहाँ ए लिखा हुआ है, डब्बा लिखा हुआ है, तो मतलब एफ डैश जीरो ही होना चाहिए उसके जगह, है ना? है ना? तो उसके लिए जरूरी है ना कि इस जीरो की जगह एफ ऑफ जीरो लिखा होना चाहिए, ताकि ये बनेगा एफ ऑफ डब्बा प्लस एच माइनस एफ डब्बा। तो अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि एफ जीरो का वैल्यू जीरो ही आ रहा है, जो आपने जीरो की जगह एफ ऑफ जीरो लिख दिया, बोलो हाँ ना? समझ आ रहा है? यस सर। तो आप बताओ आप सर, के एक्स जीरो कैसे आ सकता है? सर के एक्स, के एक्स नहीं, अपन एक्चुअली पता है क्या करेंगे, इसको अपन इक्वेशन से ही निकालेंगे। इक्वेशन क्या दे रखा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है, यही दे रखा है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में बेटे x और y दोनों की जगह जीरो रखते, x और y दोनों की जगह जीरो रखते। भाई हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, फंक्शनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अवकलनीय समीकरण का मतलब क्या है, x और y कोई भी आप रियल वैल्यू रखो हमेशा ही आंसर आएगा, हमेशा ही बराबर आएगा, आया ना? यस सर। तो मैंने x और y की जगह जीरो रखा, तो जीरो रखने पे मेरे पास क्या आया, f ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो, आया ना? Yes, sir. तो f of 0 is equal to 2f of 0. इसका मतलब ये कि f of 0 किसके बराबर आएगा, 0 के, आया ना? Yes, sir. भाई एक f 0 उसमें से माइनस कर दो तो f 0 बराबर 0 ही तो आएगा, बोलो आया ना? Yes, sir. Yes? तो इसीलिए मैंने 0 की जगह क्या लिखा, f of 0, मतलब f of 0 का वैल्यू 0 ही आएगा। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो आने का मतलब ये है कि अगर आप एक्स के जगह जीरो पुट कर रहे हो तो उसका एफ ऑफ एक्स भी जीरो ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक्स की जगह मैंने जीरो पुट करा, भाई फंक्शन क्या होता है, वाई बराबर एफ एक्स, एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया मैंने तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू भी कितना है, जीरो, यही तो लिखा हुआ है। बात समझ में आया बेटे? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। थोड़ी थोड़ी, यस, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यस सर, है ना? कोई चलो, है ना, दो और करेंगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो अभी के लिए हमने क्या, अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया था कि एफ डैश एक्स जो है एफ ऑफ एच अपॉन एच के बराबर आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। तो ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है ना, ये मैं इसको किसी का डिफरेंशिएशन बनाना चाहता हूँ। अब किसका डिफरेंशिएशन बनेगा वो इन पे डिपेंड करता है। एफ ऑफ एच लिखा हुआ है, एच के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने इसको जीरो प्लस एच लिख दिया। राइट साइड में कुछ नहीं था इसलिए मैंने इसको जीरो बना दिया, माइनस जीरो। अब भाई इसमें से आप जीरो माइनस करोगे तो यही आएगा, अब अंदर में जीरो प्लस करोगे तो एफ एच ही आएगा, तो अल्टीमेटली ये यही लिखा हुआ है, आया ना? यस, ठीक है। दूसरी बात कि भाई अगर मुझे एफ डैश डब्बा निकालना है तो ऑब्वियसली बात है तभी आएगा जब एफ के अंदर यहाँ पे डब्बा प्लस एच होगा और यहाँ पे एफ डब्बा होगा, तो एच के साथ यहाँ जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे माइनस एफ डब्बा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस एफ जीरो चाहिए ना, तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जीरो का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, आया ना? यस सर। तो इसलिए मैंने उसको बनाया, मैंने लिखा है जीरो,
अब जीरो की जगह मैंने लिख दिया एफ ऑफ जीरो, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो ही है। अब ये मुझे कैसे पता लगा, ये इक्वेशन मुझे दे रखी थी, मैंने एक्स और वाई की जगह जीरो रख दिया, एक्स और वाई की जगह जीरो रख दिया तो एफ जीरो का वैल्यू जीरो आ गया, एफ जीरो का वैल्यू जीरो आ गया तो एफ जीरो की जगह जीरो कर दिया, मतलब जीरो की जगह एफ जीरो लिख दिया अपॉन में एच। तो अब ये दिख रहा है ना कि ये जो है ये तो एफ डैश जीरो लिखा हुआ है, आया ना? हाँ या ना? यस ये एफ डैश जीरो लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एफ डैश जीरो क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा? यस सर। मतलब आप ये समझ लो कि एक फंक्शन लिखा हुआ है, उस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया और उसमें एक्स की जगह जीरो रख दिया, तो उससे कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ रहा होगा। यस सर। आया ना? तो वो क्या वैल्यू आ रहा है अभी हमें नहीं पता, तो अभी के हमने मान लिया कि f डैश x जो है भाई, f डैश जीरो का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो अभी के लिए मैंने मान लिया कि उसका कुछ k वैल्यू आ रहा होगा। क्या मान लिया बेटे? k वैल्यू आ रहा होगा, तो f डैश बराबर आ गया k के। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। है ना? अच्छा f डैश x को बेटे मैं ये लिख सकता हूं dy / dx? यस सर। आपको पता ही है, तो एक बार ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, मतलब dy by dx, डिनोमिनेटर में जो dx लिखा हुआ है ना उसको राइट साइड लेके जा रहा हूँ, तो dy equal to k dx आ गया। यस सर। यस सर। अच्छा बेसिक इंटीग्रेशन सबको पता है? यस सर। यस सर। हम इंटीग्रेशन भी यूज करेंगे, तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटे? y dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x x आएगा और प्लस तो आएगा, पता है ना आपको, एक कांस्टेंट यूज होता है। यस सर। तो अल्टीमेटली अगर c का वैल्यू मेरे पास आ गया तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि y मतलब क्या है, fx इक्वल y इक्वल टू fx प्लस c, k प्लस kx प्लस c लिखा हुआ है। अब c का वैल्यू निकालने के लिए x और y को, x को जीरो रखना, x को अगर जीरो पुट करेंगे तो ये आ गया f जीरो इक्वल टू k इनटू जीरो प्लस c, तो k इनटू जीरो तो जीरो हो गया इक्वल टू f जीरो का वैल्यू। बेटा अभी हम यही तो कर रहे थे, ठीक है? यस सर। f जीरो का वैल्यू जीरो, तो अल्टीमेटली c कितना आ गया? जीरो। जीरो अगर c जीरो आ गया बेटे तो अपने पास क्या बच गया, हमारे पास ये बच गया f of x बराबर kx। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि fx जो है वो किसके बराबर आएगा? kx। ठीक है? यस सर। ठीक है, ये इस तरीके से आया। अब ये प्रूफ मैंने आपको क्यों बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि एडवांस में जो क्वेश्चन आता है ये प्रूफ जब तक आपको नहीं पता होगा ना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअली सॉल्यूशन ही उसका इसी तरीके से होगा। ठीक है, अभी अपन एडवांस का क्वेश्चन भी करेंगे एक दो, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये तो इसी तरीके से हो रहा है। आई वाज समझ बेटे? यस। ठीक है, चलो इसको नोट करो, एक आध और करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना बेटे? यस सर। अब इसको नोट करो, एक और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहले इसको नोट करो। बेटा नोट कर लो तो बता देना, स्लाइड आगे बढ़ा दूंगा। सर अगली स्लाइड सबने कर लिया? यस सर। यस सर। सर दूसरी स्लाइड। सर हो गया। हो गया, नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है चलो दूसरा करें, सेकंड। अब देखो बेटा इधर, अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या आती कि f ऑफ x प्लस y जो है वो किसके बराबर होगा?
f of x plus f of x dot f of y के? Yes sir. यही था? Yes sir. के लिए f x क्या था बेटे? Power x. Power x. यही था? है ना? तो चलो अब इसको फिर समझते हैं अपन अच्छे से, ठीक है? देखो अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि भाई इसको निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? अब बोलते जाओ। फर्स्ट प्रिंसिपल का, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? एफ डैश एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक था, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेटे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब अपने को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे इस इक्वेशन को ये बनाना है, तो उसके लिए क्या करूं? y को रिप्लेस करके h। हाँ, y को रिप्लेस कर देंगे h से, तो इस इक्वेशन में y को रिप्लेस कर देंगे हम h से, तो ये बन जाएगा f of x plus h equal to f of x dot f of h। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे? Yes sir। सबको समझ में आ गई? विनय, yes. राहुल, मुस्कान, खुशी, निधि, क्लियर है बेटे? Yes sir। Yes, चलो। अब देखो यार, हम अभी ये तो नहीं कर सकते कि एफ एक्स को उठा के यहाँ ले आए, क्योंकि अब तो यहाँ प्रोडक्ट में, वहां तो प्लस में था इसलिए उठा के अपन यहाँ ले आए, तो कोई बात नहीं, एक्स प्लस एच का ही वैल्यू ये रख देते यहाँ, ठीक है? तो एफ डैश एक्स बराबर आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स प्लस एच को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स डॉट एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये वाला स्टेप सबको समझ में आया बेटे? बोलो यहाँ तक किसे कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, किसे कोई दिक्कत नहीं बेटे यहाँ तक? नो सर। नहीं, नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसमें से आप बेटा देख सकते हो कि हम एफ एक्स कॉमन निकाल लेंगे। यस सर। एफ एक्स कॉमन निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा ये एफ ऑफ एच माइनस वन, माइनस वन अपॉन एच। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटे? यहाँ तक किसे कोई दिक्कत हो तो बोलो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नो सर। अब देखो f dash x equal to, बेटा ये जो f x आ रहा है इसको अभी के लिए मैं बाहर निकाल दूं, क्योंकि लिमिट जो है वो तो h पे लगना है, तो h के लिए क्या है, ये कांस्टेंट का काम करेगा, तो अभी के लिए बाहर निकाल दूं इसको। यस सर। f x तो जाके लिमिट h tends to 0 f of h minus 1 upon h। ज्यादा क्लियर है बेटा सबको? यस सर। बेटा क्लियर है बेटे? सोनिया, रितु, राहुल, है ना? यस सर। तो अब एक चीज आप सोच पा रहे हो बेटे क्या, कि अल्टीमेटली अब अपने को इसी कोड की किसी का डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा, इसको किसी का डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भाई यहाँ पे एफ ऑफ एच लिख रखा है, एच के अंदर तो और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एच को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच, वेरी गुड। एच को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो प्लस एच। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, मैंने लिख दिया जीरो प्लस एच। एच को क्या लिख सकते हैं? जीरो प्लस एच। भाई अपने को कुछ भी करके ये बनाना है, बात समझ में आ गई? हमें कुछ भी करके ये बनाना है, ये बन जाएगा, हम उसको बोल देंगे ये तो एफ डैश डब्बा लिखा हुआ, आई वाज समझ? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो बेटे, ये हो गया एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यहाँ पे माइनस वन भी है, तो यहाँ माइनस वन आ गया अपॉन एच, ठीक है? अब एक बार इससे पहले वाले में देखो बेटे, यहाँ पे केवल और केवल क्या था, एफ ऑफ एच अपॉन एच था, इसलिए मैंने अंदर में जीरो ऐड किया और बाहर में जीरो को सबट्रैक्ट किया। अब
इस वाले केस में बेटे मुझे बाहर कुछ मतलब जीरो करने की जरूरत पहले ही दे रखा है, ठीक है, पहले ही दे रखा है, ठीक है। यस सर, यस, ठीक। तो अब आप ये सोचो कि यार ये जो डिफरेंशिएशन बनेगा किसका डिफरेंशिएशन बनना चाहिए, एफ जीरो जीरो का, क्योंकि एच के साथ जीरो लिखा हुआ है। Yes, sir. पढ़ा था ये चीज, आया ना? Yes, sir. तो अगर ये जीरो का डिफरेंशिएशन बन रहा है तो एच के साथ तो जीरो लिखा हुआ है। अब इसके हिसाब से जैसे ये एफ डैश डब्बा, ये डब्बे का डिफरेंशिएशन है, तो एच के साथ अगर डब्बा लिखा हुआ है तो यहाँ भी तो एफ डब्बा लिखा हुआ है। Yes, sir. अब आप खुद से सोचो कि अगर यहाँ पे जीरो प्लस एच लिखा हुआ है तो यहाँ से तो हमें ये पता लग रहा है कि ये जीरो का डिफरेंशिएशन बन रहा है, बट उसके लिए जरूरी है कि माइनस के बाद जो वन लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्या बनना चाहिए। सर वो तो एफ एक्स एफ जीरो की वैल्यू होगी ना, एफ जीरो बनना चाहिए। बात समझ में आ गई? एफ जीरो बनना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे वन को एफ जीरो बनना है तो आप वन करके इसको एफ जीरो लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बनेगा ही सही, नहीं बनता तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाता, ये बनेगा ही सही। एक तरीका तो ये है कि आप भाग बंद करके वन को एफ जीरो लिख लो। दूसरा ये है, आप ये है, चेक कर लो, आप निकाल चेक कर लो। यस यस सर। दूसरा तरीका ये है कि आप निकाल के इसको चेक कर लो। चेक कैसे करेंगे? चेक हम इस तरीके से करेंगे भाई, इक्वेशन क्या है इसके लिए, ठीक है, यही इक्वेशन है। यस सर। मैं एक्स और वाई की जगह जीरो रखूं, ठीक है, एक्स और वाई की जगह जीरो रखेंगे तो बेटे क्या आएगा, एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो डॉट एफ जीरो, आया ना? यस सर। तो यहां से ये हो जाएगा एफ जीरो डॉट एफ जीरो सॉरी इक्वल टू एफ जीरो का होल स्क्वायर। यस सर। अगर f0 का होल स्क्वायर बनेगा, f0 का होल स्क्वायर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस f0 बराबर 0, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ से, तो f0 एक बार तो 0 आ जाए, मतलब f0 into f of 0 माइनस 1 बराबर 0 बनेगा, आया ना? तो बच्चा आया ना बेटे? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या मिल गया, f0 बराबर 0 और एक क्या आ गई f0 equal to 1, तो वैल्यूज आ रही हैं? Yes, sir. है ना? अब दो वैल्यूज में से ये f0 बराबर 0 तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे क्या है 1, तो क्या लेना पड़ेगा f0 बराबर 1? Yes, sir. क्या लेना पड़ेगा f0 बराबर 1, तो यहाँ से देखा है ना आपके पास F0 का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली 1 की जगह हम क्या लिखेंगे F0, तो ये बन गया f'x बराबर fx लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना था इसको 0 प्लस h, यस सर, माइनस 0 अपॉन h का डिफरेंशिएशन बना h नहीं f डैश 0 सबको क्लियर हो गया बेटे यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? यस सर। यस, तो अच्छा एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यही चीज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ेंगे आगे चल के, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है बेटे? यस सर। हम सेपरेट करते हैं वाई के साथ वाई, एक्स के साथ एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय वाई इक्वल टू के डॉट डी एक्स, ठीक है। अब बस इतना करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन,
किसका इंटीग्रेशन बेटे किसी को पता है? डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेशन, ये किसका इंटीग्रेशन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? लॉग वाई, लॉग वाई, हाँ लॉग वाई। वैसे हम इसको एलएन वाई लिखेंगे, एलएन वाई लिख दो, ठीक है? यस सर। इसका इंटीग्रेशन के और एक्स, के एक्स प्लस सी, यस सर, ये याद रखना चाहिए, के एक्स प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है चलो, अब यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया, ठीक हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब अल्टीमेटली मेरे को y निकालना है, मुझे ln y तो नहीं चाहिए, मुझे y निकालना है, मुझे fx निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करूँ? ln हम कैसे हटा सकते हैं? एंटीलॉग लिखने की जरूरत नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था log a टू द बेस b बराबर n है, तो मुझे a निकालना है, तो a जो है वो b की पावर n के बराबर आ जाएगा। ये दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे, है ना? तो अगर मुझे y निकालना है तो y किसके बराबर आएगा? अब ln है तो ln के लिए आपको पता है ना log base, log base जो होता है वो e होता है। Yes, yes. तो इसको हम ये लिख सकते हैं e की पावर k x plus c, है ना? Yes. Yes, sir. E की पावर k x plus c, ये रे आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो y बराबर ये अब अपने पास कितना आ गया, e raised to the power kx plus c, ना? तो इसको ऐसे लिख देते हैं, e की पावर kx dot e raised to the power c, ऐसे लिख सकता हूँ? Yes sir. बेस सेम है, पावर को अलग अलग कर दिया, ठीक है? तो ये लिख सकते हैं। तो आप एक चीज सोचो बेटे, ये जो है ये तो एक कांस्टेंट आएगा, फिर से e की पावर c एक कांस्टेंट आएगा। Yes, sir. अभी के लिए मैं a लेट कर लूं, है ना? Yes, sir. इसको अभी के लिए हम a लेट कर लें, तो अगर a लेट कर लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a डॉट e रेस्ट टू द पावर kx, आया ना? Yes, sir. क्या आ जाएगा अब, क्या किया जाए बेटे? y की जगह fx रखे, x equals to 0 रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है? वैल्यू क्या पुट करेंगे, x और y को 0 रख लो, x और y को 0 रखेंगे, तो हमें पता है ना भाई f 0 का वैल्यू कितना है, 1 इस बार, ठीक है? यस सर। 0 का वैल्यू 1 है, तो 0 का वैल्यू 1 है भाई, एक काम करो कि y को आप पहले fx लिखो, ठीक है? अब f 0 equals to a dot e raised to the power kx, मतलब e raised to the power 0 हो गया, ये तो 1 हो गया, और f 0 का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू 1 आ गया, अगर a का वैल्यू 1 आ गया तो fx इसके बराबर आया, e raised to the power kx, आया ना? Yes sir. e raised to the power kx, अगर e raised to the power kx है तो basically ये जो e raised to the power k लिखा हुआ है, ये इसको मैं अभी के लिए कुछ a बोल सकता हूँ, कुछ ना कुछ काम आ रहा होगा, तो अभी के लिए मैंने वापस इसको a बोल दिया, fx के बराबर आ जाएगा, x के बराबर, a और x के बराबर, ये रहे बेटा। यस सर। एक बार थोड़ा पीछे से डीवाई अपॉन डी एक्स के पास से यहाँ से, यस सर, यहाँ से हम ये करते भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू के वाई दे रखा है अपने को, मतलब यहाँ तक हम ले आए इसको, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब याद रखना, अगर हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे लगेगा, डी वाई के साथ वाई लिखा होना चाहिए, डी एक्स के साथ एक्स होना चाहिए, बात समझ में आई? यस सर।
अब यहाँ पे तो डी वाई के नीचे डी एक्स लिखा हुआ था, बट ये नहीं चाहिए हमें, हमें इनको सेपरेट करना है। एक्स के साथ डी एक्स होना चाहिए, डी वाई के साथ वाई होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो वाई है इसको उठा के नीचे ले आया, ये डी एक्स को उठा के राइट साइड ले गया। बात समझ में आई? यस सर। तो डी वाई बाय वाई बन गया बराबर, ये क्या बन गया, के डॉट डी एक्स बन गया। अब दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब याद रखना L, one upon y, dy का जो इंटीग्रेशन होता है बेटे वो होता है ln बार। क्या होता है? ln बार। ठीक है? Yes sir। ln बार। तो one upon y dy का इंटीग्रेशन आ गया ln बार equal to k। अब k तो एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x। और आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो c एक एक्स्ट्रा आता है। Yes, sir. तो सी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, वाई चाहिए। वाई मतलब यहाँ पे क्या है, fx चाहिए। fx निकालना है ना हमें, तो फंक्शन निकालना है ln y, तो log में एक्सप्रेशन तो ना चाहिए मुझे। तो मुझे ln हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसको कैसे लिखा y। अब ये आपको पता है ना बेटे, ये हम ये कैसे लिखते हैं, log बराबर n। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है a इक्वल्स टू b के पावर n के। ठीक है, मतलब कभी भी आपको अगर लॉग दे रखा हो, आपको लॉग हटाना है, तो क्या करो आप, a इक्वल टू ये b को राइट साइड में ले आओ और n को b की पावर में चढ़ा दो। बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटे? यस सर। तो y बराबर क्या आ गया, e की पावर kx + c। अब आप बोलोगे सर e कैसे आया, तो जो ln होता है बेटे, ln का मतलब होता है log बेस p। समझ में, ln का मतलब ये ही होता है log बेस। ठीक है? Yes, sir. है ना, तो यहां से y बराबर क्या आ गया, e की पावर kx। ये y निकालना था, तो इसके इसके बेस में जो लिखा हुआ होता है उसको हम राइट साइड ले जाते हैं और इसको पावर में चढ़ा देते हैं। तो y बराबर e की पावर kx + c। ठीक, तो y बराबर, अच्छा इसको मैंने अलग 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 कर दिया। याद है आपने बचपन में से रूल पढ़े थे, a की पावर x मतलब a की पावर m डॉट a की पावर n, तो पावर को ऐड कर देते थे, बेस सेम होता था। पता है? तो अब आप ये देखो कि भाई पावर ऐड कर रहे हैं, बेस सेम है, तो अलग अलग भी तो कर सकते हैं। यस सर। अलग अलग कर दिया, e की पावर kx डॉट e की पावर c बन गया। अब e की पावर c को मैंने कोई एक a कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि यहां से कोई ना कोई वैल्यू आएगा ना बेटे, एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो उसको मैंने अभी के लिए a मान लिया। यहां पे a आ गया, तो अल्टीमेटली मेरे को a का वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू निकालने के लिए मैंने x और y को 0 0 पुट कर दिया। ठीक है, x और y को 0 0 पुट कर दिया। तो 0 0 पुट करते e की पावर 0 तो 1 होता है, आपको पता है। यहां पे आ गया, x की जगह 0 रखा, तो f 0 का वैल्यू 1, ये अभी हमने निकाला था। बेटे इसमें e की पावर k को मैंने कोई कांस्टेंट वापस लेट कर लिया, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट ही है, a लेट कर दिया, तो अल्टीमेटली a की पावर x हो गया। आयो समझ, क्लियर है दिव्या? सर ऊपर जैसे a की वैल्यू 1 है, तो नीचे तो a अलग होगा ना, जरूरी नहीं है 1 हो। अरे वो एक कांस्टेंट है ना, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, यहाँ पे हमने a लिया ना, इसको आप a बन लो। अब ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब a ठीक है यहाँ पे बेटे? यस सर। यप, fx equals to a की पावर x आ गया। ठीक है बेटे, और यही था, हमने पहले भी यही निकाला था। यस सर। समझ आ गया बेटे सबको? यस सर। नोट कर लिया या कर रहे हो? सर इससे पहले वाला भी। बेटा नोट कर लो तो बता देना। सर हो गया।
हो गया नोट कर लिया बेटे सबने? यस सर। Function f is defined R satisfies equation f of x plus y barabar f of x dot f of y for all x comma y and f x is not equal to 0 for any x in R that the function be differentiable at x parameter 0 and f dash 0 parameter 2 determine f of x. Okay, ye question written J main ka ye इसको बनाओ एक बार। ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन ये R to R, और ये इक्वेशन दे रखी है। अब ये इक्वेशन आपको जानी पहचानी दिख रही है बेटे? जानी पहचानी इक्वेशन लग रही है ये? आया ना? यस। पहचान के है बेटे, तो अगर इक्वेशन जानी पहचानी है तो आप डायरेक्ट फंक्शन लिख दो फॉर ऑल एक्स वाई लॉग टू आर, ये दे रखा है आर में, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पे और एफ डैश जीरो का वैल्यू टू दे रखा है, तो आपको एफ एक्स बताना है। ठीक है, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर आपको फंक्शन दिख गई, आपको फंक्शन इक्वेशन समझ में आ गई, यार ये इक्वेशन तो हमें पता है कि ये किसकी इक्वेशन है और इसके लिए जो फंक्शन है वो क्या यूज होगा, तो आप डायरेक्ट एफ एक्स लिख लो, आपको एफ एक्स निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम एफ एक्स तब निकालेंगे जब कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके लिए अपने को एफ एक्स नहीं पता, आई बात समझ, जिसके लिए पता है डायरेक्ट यूज करो। इसके लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए, सॉरी फंक्शन इक्वेशन के लिए ए की पावर एक्स अभी तो निकाला था हमने, तो इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, ये इक्वेशन आप 2 मिनट में, ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर लोगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये तो ये है, आया ना, एफ एक्स इज ए की पावर एक्स, पता है, बोलो आया ना? Yes. Yes, sir. पता है ना, तो बस इसको करो सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। भाई अल्टीमेटली अपने को ए ही तो निकालना है कि ए एक्चुअली में क्या है, कौन सा फंक्शन है, तो उसके लिए आप बस एक काम करो, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटे ए की पावर एक्स का, बोलो क्या होगा? अब चाहो x a की पावर x माइनस, हां चाहो तो इसको आप a की पावर x स्मॉल a कर लो, स्मॉल a कैपिटल a कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हां क्या बताया बेटे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x a की पावर x माइनस 1, पक्का ये होता है इसका डिफरेंशिएशन सर, x log a into a की पावर x, x log a into a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a,
है ना, यही होता है ना? यस सर। ठीक है बेटा, इसमें ये गड़बड़ मत कर देना फिर। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको सबके पता होनी चाहिए बेटे, दिक्कत आ जाएगी। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, ए की पावर एक्स लॉग ए। तो अल्टीमेटली अपने को ए ही निकालना है। ए कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे क्या करें अपन, एक्स की जगह जीरो पुट कर दें। क्यों? क्योंकि एफ डैश जीरो का वैल्यू टू दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्स की जगह जीरो पुट कर दो। एफ डैश जीरो इक्वल टू ए की पावर जीरो लॉग ए। ए की पावर जीरो तो वन हो गया, एफ डैश टू, एफ डैश जीरो बराबर टू दे रखा है, तो टू इक्वल टू ये आ गया अपने पास लॉग ए। ठीक है बेटे, अब यहां से ए निकालना है तो ए किसके बराबर आएगा, ए किसके बराबर आएगा बेटे बोलो? ए की पावर टू। ए की पावर फिर से बोलना, किसके बराबर आएगा बेटे? ए इक्वल टू ए की पावर टू। ए की पावर टू, करेक्ट, सही बोल रहे हो भाई। ए निकालना है ना, तो ए निकालने की क्या करेंगे, ये जो लॉग लिखा हुआ है मतलब ये समझ लो कि लॉग बेस ई है। ठीक है, ये बेस ई है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ई की पावर टू, यही आएगा, आया ना, ई की पावर टू आएगा बेटे। यस करेक्ट। तो फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, ई की पावर टू, e की पावर टू और उसकी पावर है x, तो एफ एक्स इसके बराबर आ गया, e की पावर टू एक्स के बराबर आ गया, बस ये आपका आंसर है। अब देख लो जेई मेन में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर निकालना कौन सा बड़ी बात थी आपके लिए, देख आया ना, बेटा समझ आया सबको? यस सर। है ना, तो ये करना कोई बड़ी बात थी आपके लिए? एक मिनट का क्वेश्चन था, नहीं था, सोचो, देख लो खुद ही देख लो बेटे, एक मिनट का क्वेश्चन था ये। क्यों एक मिनट का क्यों था, इसलिए था क्योंकि हमें इस इक्वेशन के लिए पता था ना कि एफ एक्स जो आता है ये आता है, तो बस यहाँ पे दिख रहा है हमें एफ डैश जीरो का वैल्यू क्यों दे रखा, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करा, ए बराबर ई की पावर टू आ गया, हमारे दिया आ गया फंक्शन, आया समझ? यस क्लियर है बेटा? निधि, राहुल, यस सर, ऋतु क्लियर है बेटा? यस सर। विनय? यस सर। आगे समझ? अब हो जाएंगे इसके क्वेश्चन, सर हो गया बेटे, अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए खुद चेक करना बेटे, फिर मुझे बताना हुआ नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है, सपोज मान लो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन fx satisfies the identity f of x plus y बराबर f of x plus f of y plus x y square plus x square y for all x comma y belongs to R. If
लिमिट, इसमें लिमिट भी लगा रहता है, x tends to zero, f x upon x equal to one, then f dash three is, ठीक है बेटे, आपको इसका वैल्यू निकालना है, ये जेई मेन में आया था 2020 में, ठीक है बेटे। अब ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना, इसको आप सोच के देखना, इसमें आपको fx निकालना पड़ेगा बेटे, क्योंकि इस इक्वेशन को देख के हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इसका फंक्शन क्या होगा, अरे समझ, इसको देख के हम डायरेक्टली नहीं बता सकते बेटा, नोट कर लो तो बता देना सर। हो गया, हो गया, सबने नोट कर लिया सर? इसको कैसे करेंगे, हिंट दे दीजिए। कैसे करेंगे, हिंट दे दूं बेटा? इसमें आपको fx फाइंड करना है। अब fx फाइंड करने के लिए इस वही फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो। फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको क्या करना है, यूज करने के लिए y को h से रिप्लेस कर दो, ठीक है। fx को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये बन जाएगा f of x plus h minus fx, इसके बराबर आ जाएगा fh plus x square plus x square h के बराबर। तो उसकी जगह रखो, उसकी जगह रखने के बाद कुछ कॉमन निकलेगा, उसको बाहर निकालो। जब आप बाहर निकालोगे तो आप ये वाला इसका यूज करना। यस सर, का यूज करना। अब ये जो लिखा हुआ है ना बेटे, यस सर, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स बराबर वन, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। कहीं भी आप ऐसा लिखा हुआ देखो ना, तो ये समझ जाओ कि एक्चुअली लिखा क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x है ना, इसको मैं जीरो प्लस x, जीरो प्लस h, यस सर, माइनस जीरो अपॉन x लिख सकते हैं, यस सर। अब भाई लिमिट दे रखा है x tends to 0 पे 1 आ रहा है, मतलब इसका आंसर आ रहा है, मतलब ये जो 0 है वो f 0 के बराबर हो रहा होगा, तभी तो आ रहा होगा fx, यस सर, f 0 हो रहा होगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना, ये f dash 0 ही लिखा हुआ है जिसका आंसर 1 आ रहा है, आ गया समझ, मतलब yes. x equals to 0 रखने पे f dash 0 1 आ रहा है, आ गया समझ, ये लिखा yes, हुआ है, मतलब ठीक है। तो इसको आप यूज करना इसमें, फिर निकाल के देखना एक बार, खुद से ट्राई करो, थोड़े से एफर्ट लगाओ, देखो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद अगर हो जाएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन अब फिर से हो जाए, ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो मैं बता ही दूंगा, आयो समझ, यस सर, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई करना बेटे, फिर अपन इसको करेंगे, ठीक, जिससे हो गया मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है बेटे, यस सर, यस, आगे बढ़े, यस सर, ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अब इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच टू फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब अब हमें क्या करना है, जैसे अपन डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड कर रहे थे, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड कर रहे थे अपन, एलएचडी आरएचडी लगा के फाइंड कर रहे थे ना बेटे, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, आया ना, ऐसे ही कर रहे थे ना एलएचडी आरएचडी से, यस सर, है ना। तो अभी अपने को क्या करना है, ग्राफ का यूज करना है थोड़ा सा। अब इस पे जो क्वेश्चन होंगे ना बेटे, वो क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, वो एक बार आप समझ लो। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटे, वो कुछ इस तरीके से आएंगे। मान लो एग्जांपल के तौर पे ये समझो कि हमें ये दे रखा है, मैक्सिमम दो फंक्शन दे रखे हैं, मान लो यहाँ पे एक दे रखा है fx और दूसरा दे रखा है gx, ठीक है।
तो अब इसके बाद जो मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम का मतलब ये कि हमें वो वाला ग्राफ लेना है जो इन दोनों में सबसे बड़ा है, ठीक है। एक तो ये टर्म यूज हो रहा होगा, एक ये वाला टर्म यूज हो रहा होगा, मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, ठीक है। कैसे? मान लो कि मैंने ग्राफ बनाया, मतलब दो फंक्शन है और उन दो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, एक तो कुछ ऐसा बन रहा है और दूसरे फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज देखो, इस वाले को तो मैंने बोल दिया जैसे ये जो ग्राफ है वो y बराबर fx का ग्राफ है, और पिंक वाले को बोल दिया ये जो ग्राफ है वो y बराबर gx का ग्राफ है, अभी के लिए हमने मान लिया, ठीक है बेटे। तो इसमें जैसे फर्स्ट में बात करता हूँ मैक्सिमम ऑफ fx कॉमा gx, तो इसका मतलब ये है कि बेटा इन दोनों में जो ग्राफ मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब आप समझ लो कि ऊपर, कहाँ ऊपर, मतलब इन दोनों में जिसका ग्राफ ऊपर है हमें वो लेना है, बात समझ में आई। मिनिमम मतलब जिसका ग्राफ नीचे है हमें वो लेना है, बात समझ में आई, आया ना? यस सर। ठीक है, अब ऊपर और नीचे वाला ग्राफ कैसे, जैसे अगर मैं ये बात कहूँ ये रेड वाले ग्राफ में ये वाला पार्ट ऊपर है, आया ना? यस सर। ये क्या बोलते पिंक वाले ग्राफ में, पिंक वाले फंक्शन में ये वाला ग्राफ ऊपर है, यस सर, आया ना? अब आप ये समझ लो कि ये जो पॉइंट है ना बेटे, ये मान लो ए पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट के पहले x बराबर ए से पहले तो रेड वाला ग्राफ ऊपर है, x बराबर ए के बाद पिंक वाला ग्राफ ऊपर है, तो मैक्सिमम हम कौन सा वाला लेंगे, मैक्सिमम का मतलब हो गया ये वाला ग्राफ हम लेना, मतलब ए से पहले तो एफ एक्स वाला, ए के बाद जी एक्स वाला। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? यस सर। सबको? यस सर। यस, ठीक है। और ऐसे ही अगर मिनिमम की बात कहूं तो मिनिमम का मतलब ये है बेटा ये नीचे वाला, ठीक है, मतलब a से पहले हमें gx लेना, a के बाद हमें fx लेना, बात समझ आ गई? बोलो सबको समझ में आ गया बेटे? यस सर। यस, ठीक है, इसको एक बार नोट करूं, अभी पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा बेटे। ठीक है, इसमें जो ये व्हाइट वाला है ना, व्हाइट कलर वाला व्हाइट, ये है मिनिमम, और जो ये ग्रीन कलर से बना हुआ है शेडेड पोर्शन वो है मैक्सिमम, ठीक है। सर ये जो ऊपर यू शेप में है पूरा मैक्सिमम वो होगा ना? हाँ हाँ, करेक्ट बेटे, जो ऊपर यू शेप में ना ऐसा ही है, ये वाला पार्ट मैक्सिमम है और ये नीचे वाला पार्ट मिनिमम है। Yes, अब ये क्वेश्चन करेंगे ना पूरा समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली मतलब क्या है इसका, कैसे करना है। नोट कर लो तो बता देना बेटे, नोट कर लिया? यस सर। यस, ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि fx इक्वल टू मैक्सिमम x स्क्वायर कॉमा 4 माइनस x स्क्वायर, मतलब हमें मैक्सिमम चाहिए, इन दोनों में से जो बड़ा होगा हमें वो चाहिए, तो x square comma 4 minus x square में से कौन सा वाला पार्ट बड़ा होगा, तो इसको देखते हैं, समझते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं किसकी बात करता हूँ, x square के लिए। अब ग्राफिकल अप्रोच लगा रहे तो ऑब्वियस बात है अपनी को इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो x square का ग्राफ क्या होता है बेटा, x square का ग्राफ क्या होता है, यू शेप, यू शेप, पैराबोला,
यस सर ये होगा, ये पॉइंट कितना होता है 0.0 आया ना। यस सर। चलो नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ y इक्वल्स टू 4 - x2। इसका ग्राफ हमें बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करो जो मैंने आपको सिखाया बेटे, कि अगर x स्क्वायर का जो ग्राफ है आप इसको ऐसे समझो, x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है ना, तो माइनस x स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, अगर x के आगे माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं, पलट देंगे उसको। यस ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, और पलटने के बाद इसमें आप 4 को ऐड कर दो, तो अगर 4 को प्लस कर रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर ऊपर। ये ग्राफ को कैसा बन जाएगा, 4 होगा 0.4 है ना, बात समझ में आ गई बेटे। यस। तो अब अपने को ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ एक ही में बनाना है, ठीक है। अब आप इसको ऐसा देखो बेटे, ये पॉइंट अपने को पता है 0.0 है, तो एक ग्राफ तो ऐसा बन रहा है, आया ना। यस सर। ये वाला ग्राफ और ये वाला जो ग्राफ है ये कैसा बनेगा, ये यहाँ पे 0.4 होगा कोई पॉइंट, यहाँ से इधर नीचे की तरफ, ऐसा बनेगा, आया ना। यस सर। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद बेटे एक चीज समझो कि यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब जो ग्राफ ऊपर है हमें वो चाहिए। अब इस पॉइंट तक आने के बाद कौन सा ग्राफ ऊपर उठ रहा है, ये वाला, फिर इस पॉइंट के बाद कौन सा ग्राफ ऊपर उठ रहा है, ये वाला। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, तो अब अपने को वही ग्राफ चाहिए जो ऊपर है, जो ऊपर नहीं है उसको हटा दो, तो अल्टीमेटली जो फाइनल अपने को चाहिए ग्राफ वो ये चाहिए। देखो समझ आया, मैक्सिमम का मतलब ये है कि हमें ये वाला ग्राफ चाहिए जो ऊपर है, ये 0.4। बात समझ में आ गई, बोलो बेटे समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में आ गया सर? इससे डिफरेंशिएबिलिटी में क्या फायदा है? क्या बेटे? सर इससे डिफरेंशिएबिलिटी में क्या फायदा है? डिफरेंशिएबिलिटी में बेटा ये फायदा है, वो आपसे पूछ लेंगे कि आपके पास ये दो फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये कि ये पूरा फंक्शन है, इसमें से आपको मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट उठाना है, तो जब आप मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट उठाओगे तो उसमें ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे वो जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे हमने ये ऊपर वाला पार्ट उठा लिया, ठीक है, हमने ये ऊपर वाला पार्ट उठा लिया, अब ये वाला जो फंक्शन है ये क्या एक्चुअली फंक्शन ही है ना, ये फंक्शन ही है, उसने क्या बोला था कि हमें वो फंक्शन जी जो इन दोनों में से सबसे बड़ा है, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा है, तो बड़ा वाला हमारे पास ये फंक्शन आया, उसका ग्राफ ये है। भाई ये क्या है, वाई बराबर एफ एक्स, आया ना। यस सर। वाई बराबर एफ एक्स। अब इस ग्राफ को देख के ये बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा? 3 कि 2? ऐसा कोई है जो 2 कहना चाहता है? यस सर। 2 3 विश्वास रखो मुझ पे भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 0.4। अच्छा एक बात बताओ, 0.4 आपने कहा, ये जो पॉइंट है ये नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट है या ये कर्व वाला पॉइंट है, मतलब इस पे शार्प कॉर्नर आ रहा है क्या? यस सर। पक्का? नहीं यार, आज भी शार्प कॉर्नर क्यों?
ये नहीं आ रहा क्योंकि ये जो ग्राफ है जीरो मतलब फोर पे तो ग्राफ ऐसा बनेगा ना, आया ना, इस पे तो एक यूनिक टेंजेंट बन जाएगा ना, कॉर्नर होना ही है, कॉर्नर वाले पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? अगर मैंने पैराबोला बनाया ये वाला, तो ये जो पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबल तो ना होता है, आया ना, ये पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल तो ना होता है। अब आपको लग रहा है कि सर हमें कैसा पता लगेगा, कोई बात नहीं, इसका एक तरीका और है। उसका ये तरीका है, हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है ना, जो दो अपने को वो दे रखे थे ना फंक्शन में अलग अलग, कौन कौन से, एक तो एक्स स्क्वायर है और एक फोर माइनस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, इन दोनों को बराबर रख दो। अगर हम दोनों को बराबर रखेंगे भाई, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, कुछ पॉइंट्स आएगा ना जहाँ पे जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करता है। Yes, sir. दो पॉइंट के ग्राफ इंटरसेक्ट करते हो, पॉइंट आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के याले आओगे तो टू एक्स स्क्वायर बराबर फोर, एक्स स्क्वायर बराबर टू, आया ना, एक्स इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट टू। ये वाला जो पॉइंट है ना बेटे, ये है माइनस अंडर रूट टू, और ये वाला जो पॉइंट है ना ये है प्लस अंडर रूट टू, दो पॉइंट तो आए, आया ना, yes, sir. दो पॉइंट आया ना, इन्हीं दो पॉइंट पे क्या आ रहा है बेटे, शार्प कॉर्नर आ रहा है। तो अगर शार्प कॉर्नर आएगा मतलब जो पॉइंट्स हो गए नॉन डिफरेंशिएबल एट प्लस माइनस रूट टू, आया बस समझ, क्लियर हुआ बेटे? यस सर। पक्का? अब तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी को? सर इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। हाँ, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, या नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी, ऐसा कुछ पूछ लेंगे वो, ठीक है। इसी तरीके से पूछेंगे कि कौन से पॉइंट पे जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, या कितने पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, आई वो समझ। अच्छा, कितने पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसको देख के अगर मैं पूछूं कि कितने पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फिर क्या बताओगे? सर तो है ही नहीं डिसकंटिन्यूअस। हाँ, डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे अपन, डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, उसको हम बोलेंगे जीरो, जीरो पॉइंट, ठीक है, जीरो पॉइंट मतलब कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है हर जगह, बट डिफरेंशिएबल दो पॉइंट पे नहीं, आएगा समझ? Yes, सबको क्लियर है? Yes, sir. पक्का ना बेटे, सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, तो काम करेंगे इस पे, एक दो तीन क्वेश्चन और कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। बाकी ये चैप्टर भी खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके दो तीन क्वेश्चन करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है बेटे? यस सर।